चलो अब नीचे चल के देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है। कुछ साफ सफाई हो रही है आज। देखिए सुंदर दृश्य है भाई ये मेरे गांव का। यहाँ पे लौकी ककड़ी सबके पेड़ लगे। रास्ता देखिए, ये देखिए सुंदर फूल, काफी सुंदर। पेड़ के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े। सुंदर सुंदर आवाजें आ रही हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे दूसरा मकान है मेरा और बगल में देखिए आप इस टाइम काफी घास और झाड़ वगैरह उग रखी है। भांग के पेड़ तो ऐसे ही हूँ यहाँ वहाँ उग जाते, जंगली पौधा है इसलिए यहाँ उठ गए। साथ के मौसम में आजकल देखिए चारों तरफ यहाँ लंबी लंबी घासें हो रखी है जिसमें काफ़ी कीड़े सांप बिच्छू सब होने की संभावना है पूरी पूरी। इस समय जानवरों के छुपने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। जानवर यहीं छुप छुप के शिकार करते हैं, घात लगाते हैं। यहाँ परसों ही रात को एक बाघ देखा गया है। अभी हालांकि इस समय नहीं होगा अवेलेबल, पर जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। सुंदर नज़ारा है, काफ़ी थोड़े हल्के हल्के बादल भी आ रखे हैं। अगस्त का महीना है क्योंकि खेतों में चारों तरफ हरियाली है और सुंदर नीला आसमान। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी पुराना एक ये स्टोव है। अंत आप दोनों ने कितने लोग इसको देखा हुआ है, ये यूज़ किया है। ये यहाँ से पुल और पुश होता था, ये देखिए तो स्टेनलेस होता है, इसको पुल करिए पुश करिए, यहाँ से ये ओपन हो के इसमें पूरा ओपन हो जाता है। ये इसके अंदर फिर केरोसिन ऑयल डलता था, अब तो केरोसिन ऑयल नहीं होता। ये इसका चूल्हा है देखिए, ये इसकी कुछ पिंस होती थी, इसमें हल्की हल्की पिंस होती थी। अगर कभी अटक जाए तो आप इसको ऐसे ऐसे यूँ पुश करें और ये दोबारा से इग्नाइट हो जाता था। देखिए पूरी बनावट इसकी कितना पुराना है यार, लगभग 20-25 साल पहले यूज होता था ये। अब तो सब जगह गैस ने ली थी। तो भैया हमारे छोटे भाई जो हैं लगे हैं काफी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या कर रहे हैं राहुल आप? ये इसको अभी देखना, हम देंगे डिजाइन देंगे इसको। हाँ वाह, आधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं ये। ये देखिए इससे जो है इससे कट जाता है ये। ये देखिए बढ़िया, इसमें थोड़ा फंसाना पड़ रहा है, ये थोड़ा फ्री हो चुका है। अच्छा अच्छा, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये पूरा जो है काफी खूबसूरत पेड़ है और उसको और खूबसूरत बना रहे राहुल। अभी थोड़ा साइड साइड इसकी हेयर ड्रेसिंग कर रहे हैं। बड़े बढ़िया यार, बिल्कुल एकदम क्रिसमस ट्री जैसा बन जाएगा ये। क्रिसमस ट्री हुआ ये पहाड़ों का। पेड़ों की कटाई हो चुकी है, देखिए कितना ढेर लग चुका है यहाँ। तो ये बढ़िया फिनिशिंग के साथ ये बिल्कुल बुके जैसा बना दिया है यार राहुल तूने। नीचे से लेके ऊपर देखिए डिजाइन, वाह चारों तरफ देखिए कटाई बढ़िया हो गई है। ये शादियों के लिए बुके बन गया है ये, इसको ब्याह ले आओ। ये थोड़ा थोड़ा कम काम कर रहा है ना, नहीं तो अभी तो और ही शानदार हो रहा था ये। पर ये भी बहुत बढ़िया बन गया यार। देखिए वो सामने जो है एक वराह का शिकार हुआ है यहाँ पे खेतों में, और कुछ गांव वाले तो भैया हाथ पैर काट के अपनी जगह ले गए और कुछ जो है अपने साथ ले गए उसको। आज रात जो है मतलब मिलकर शिकार हुआ है तो बढ़िया खाना खाया जाएगा इसका। वराह अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और खेतों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, और सरकार की तरफ से भी अभी इनको कानूनन मतलब अलाउड कर दिया है कि आप इसका शिकार कर सकते हैं। देखिए कितने सारे लोग जो हैं, अगर आप देख पा रहे हैं खेतों में लाइन लगा के आ रहे हैं, तो सब आज जो है पेट भर के खाएंगे।
वेलकम फ्रेंड्स, अब मैं आज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी बारिश हो चुकी है। आज है 9 अगस्त और पहाड़ों में काफ़ी बारिश हुई है। अल्मोड़ा से लेके पूरी जो हमारी गिरिज रहने वाली बेल्ट है यहाँ तक पूरी बारिश हुई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बारिश जैसे कह सकते हैं। तो सोमेश्वर स्पेशली ये जो घाटी एरिया है, मैं आपको दिखा दूँ, जो वैली एरिया है इसमें काफ़ी बारिश हुई है। देखिए आप पीछे नज़ारा देखिए, चारों तरफ जो सुपर आपको व्यू दिख रहा है, ये कल तो पूरे दिन, मतलब आप मानिए कि 2-2.5 बजे से बारिश हो रही थी और ये रुकी नहीं, रात भर हल्की हल्की रही और फिर सुबह फिर से तेज़ हो गई, फिर दिन भर, मतलब ये चलता ही रहा पूरे दिन। अब आप मेरे पीछे का और नज़ारा देखिए, इधर भी आपको दिख रहा होगा कि कितना मतलब बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी छाई हुई है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं रेनबो वगैरह दिखे, पर जो व्यू है काफ़ी ऑसम है। देखिए पीछे वो उस तरफ जो है पूरा डिगारा गाँव है और वहाँ तक आप देखिए कितना मतलब धूप जो पड़ रही है इस समय, जो गोल्डन आ रही है 5-7 के बीच का, तो इसमें जो व्यू आ रहा है बहुत स्पेक्टेकुलर आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। और मैं थोड़ा आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा, देखिए और मेरे पीछे यहाँ जंगल में भी देखिए आप, मतलब हर जगह अगर जिस पहाड़ी में आप देखें तो वहाँ बादल हैं। और बादल मतलब आप जानते ही, उत्तराखंड में तो कहते ही हैं कि हमारा गाँव ही बादलों में है, तो काफ़ी धन्य हैं हम जो यहाँ पर रहते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा है, खेत खलिहान आपको देखिए मेरे पीछे कितने सुंदर और हरे भरे लग रहे हैं, मैदान यहाँ पे अभी धान की रुपाई हो रखी है इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब खूबसूरत दिख रहे हैं। देखिए क्लोज व्यू, इस समय थोड़ी नदी भी आ रखी है क्योंकि काफ़ी बारिश हुई है, तो उसके बाद हल्की सी नदी में जो है जलस्तर वो बढ़ गया है। पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, देखिए शाम का समय और ये नज़ारा है, इसीलिए तो इतना 400-500 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे आते हैं शांति की तलाश में। इतना सुपर नज़ारा मिलता है और काफ़ी शांति मिलती है। कल 2:30 बजे से जो बारिश होनी शुरू हुई है वो जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी देर रात तक चलती रही और पूरी रात हल्की फुल्की लगी रही, इस चक्कर में इतना ज़्यादा ब्लॉग मतलब नहीं बना पाया। आसपास जो है काफ़ी हरियाली है सब कुछ, पर जहाँ जहाँ जाने का मन था, जहाँ जहाँ प्लान था, वो सारा कुछ पोस्टपोन करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मौसम कितना सुहाना हो गया, और अभी आधे घंटे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था एकदम ही बिल्कुल वेदर चेंज हो गया है, पीछे बादल ही बादल छा गए हैं और कभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। बस एक उत्तराखंड में डर ये बना रहता है बादल फटने का, अब देखिए वहाँ पर कैसा लुक आ रहा है, इतना मतलब बादल जो है बादल ही बादल पूरे आसमान में छा चुके हैं पहाड़ों पर। कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। तो दोस्तों वैसे तो कल का प्लान है हमारा सोमेश्वर जाने का सुबह, और थोड़ा बहुत घूमेंगे देखेंगे वहाँ पे आजकल लॉकडाउन में 2021 में क्या माहौल है, और आपको अपडेट मिलता रहेगा। अगर मौसम बढ़िया रहा तो फिर कल सुबह वहीं से ब्लॉग करेंगे साथ ही में सोमेश्वर से। मिलते हैं।